राजस्थान में बीएसपी संग गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती कांग्रेस? आखिर राजस्थान में बीएसपी से क्यों कन्नी काट रही है कांग्रेस? देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी को राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान दो दो हाथ करने का मौका मिलने वाला है। दोनों ही चुनावों में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करना चाहती है, लेकिन राजस्थान में बीएसपी संग गठबंधन को लेकर पार्टी में असमंजस के हालात हैं। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी के साथ तालमेल को लेकर कांग्रेस में आम राय बनती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी समेत कई नेता जहां बीएसपी के साथ तालमेल के पक्ष में नहीं हैं, तो वहीं पार्टी आलाकमान बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बीएसपी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं, ताकि कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक दलित और ओबीसी वर्ग के बीजेपी के पाले में जाने से रोका जा सके। हालांकि गहलोत इस बारे में खुलकर बोलने से भी परहेज कर रहे हैं, लेकिन खबर है कि उन्होंने इस बारे में अपनी राय से पार्टी प्रमुख राहुल गांधी को अवगत करा दिया है। उधर बीएसपी से गठबंधन का विरोध कर रहे सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने भी पार्टी आलाकमान के सामने अपना पक्ष रखा है। इन नेताओं का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी और परंपरागत वोट बैंक की नाराजगी है और कांग्रेस अकेले चुनाव जीतने में समक्ष है। गठबंधन का विरोध करने वाले नेताओं का मानना है कि गठबंधन होने की सूरत में बीएसपी के लिए कुछ ऐसी सीटें छोड़नी होगी जिसे कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेताओं का भी मानना है कि इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन करती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।